अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमाद लतीफ और आज मैं इस वीडियो में करूंगा एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है एप्पल इकोसिस्टम पार्ट 5 और आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग होने लगी है मैजिक कीबोर्ड की और मैजिक माउस 2 की। सबसे पहले शुरू करते हैं मैजिक माउस 2 से। मैंने अपने कज़न के हाथ ये दुबई से मंगवाया, वैसे ये parklab.pk से मिल जाता है और ये जो माउस है इसका कलर है स्पेस ग्रे, जबकि ये माउस बॉटम से स्पेस ग्रे है और सरफेस इसकी प्योर ब्लैक है और ग्लॉसी सरफेस है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का माउस है, ब्लूटूथ के साथ ये कनेक्ट होता है, इसके साथ कोई USB डोंगल तो नहीं आती और इस माउस के जो ज़्यादातर फीचर्स हैं वो एप्पल की जो विंडोज़ हैं उसके लिए डिज़ाइन हुए हैं, जबकि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ भी चल जाता है और डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ बार की तरह स्टिकर्स तो नहीं मिले, मगर माउस के साथ हमें मिलती है काफ़ी यूनिक कलर की ब्लैक एप्पल लाइटनिंग पोर्ट टू USB टाइप ए चार्जिंग वायर। मैजिक माउस 2 काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का और मैंने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए लिया है और इसकी एक मज़े की बात तो यह है कि इसमें कोई सेल या बैटरीज नहीं डलती, ये जिस केबल से आईफोन चार्ज होता है सेम उसी केबल से ये माउस चार्ज हो जाता है। इसकी बॉटम के अंदर एक ऑन ऑफ स्विच भी है और इस माउस के बारे में एक एडवाइस देता चलूँ, अगर आपका हाथ मेरी तरह बड़ा है तो आप ये माउस मत लें, काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। अब चलते हैं एप्पल के मैजिक कीबोर्ड की तरफ। ये मैंने parklab.pk पर ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी सेफली उन्होंने डिलीवर किया है। इस कीबोर्ड का जो कलर है वो है एप्पल का न्यू स्पेस ग्रे कलर और एप्पल के जो इस कीबोर्ड की खास बात तो ये है कि ये भी ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट होता है और इसके अंदर होती है बिल्ट इन बैटरी। इस कीबोर्ड के साथ आपको फुल साइज़ का नंबर पैड मिलता है और फुल साइज़ की एरो कीज़ भी मिलती हैं। ये कीबोर्ड काफ़ी स्लिम साइज़ का है और इसके साथ भी आपको मिलते हैं बाद में डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर खैर कोई स्टिकर्स तो नहीं निकलते और इसके साथ जो चार्जिंग वायर मिलती है कीबोर्ड के साथ वो भी ब्लैक कलर के अंदर है, जो कि एक साइड पे है USB टाइप ए और दूसरी साइड पे है एप्पल का लाइटनिंग पोर्ट। एप्पल का माउस तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ चला सकते हैं, मगर एप्पल का जो कीबोर्ड है ये आपको विंडोज़ के साथ चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी कीज़ विंडोज़ की जो कीज़ है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। इस पर ऑल्ट का कोई बटन नहीं है, ना इसमें कोई स्टार्ट का बटन। इस कीबोर्ड के जो बटन्स हैं वो तो ब्लैक कलर के हैं, मगर इसकी जो बैकग्राउंड है वो स्पेस ग्रे कलर के अंदर है। एप्पल के कीबोर्ड की बैटरी 20 प्लस डेज निकाल जाती है। इसके फ्रंट के ऊपर आपको मिलते हैं ब्लूटूथ एंटेनास और दरमियान में होती है एक लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट और उसके साथ है एक ऑन ऑफ का स्विच। अभी तक के लिए तो सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा कुछ ही दिनों में एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि एप्पल इकोसिस्टम पार्ट 6। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस की अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। होती है आपसे मुलाकात अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।